व्यूअर्स मानसली वड़ाच एम लिंक स्टडी अच फेस टू व्यूअर्स आज हम आप दोस्तों बहरिया फेस थ्री वन कनाल हाउस फॉर सेल जिसकी डिमांड है 895 8,95,00,000। तो इसका ये फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और अंदर से भी आपको विजिट करवा देते हैं। ये स्ट्रीट व्यू आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से अगर इस स्ट्रीट में आप आगे जाते हैं तो 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाता है, पार्क मिल जाता है, साथ ही उसके कमर्शियल भी है। और ये आप देख सकते हैं बाहर खूबसूरत मतलब प्लांटेशन की हुई है और ऊपर ये जो आपको एक साइड पे मेटल है और बड़ा खूबसूरत काम मेटल का किया हुआ है। फ्रंट एलिवेशन आप चेक कर सकते हैं, इसका मेन गेट आप चेक कर सकते हैं, ये जो मेन गेट है ये मेटल का बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और ये इसका कार पोर्च देखते हैं तो कार पोर्च में आप 2 गाड़ियां आसानी से खड़ी कर सकते हैं। ये सामने जो है ये आपको लान मिल जाता है, प्लांटेशन यहाँ पे की हुई है, बड़ा खूबसूरत लान बना हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। और साथ में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा आगे अगर हम जाते हैं इसकी गैलरी भी आपको विजिट करवा देता हूँ। ये इसकी गैलरी है, आप चेक कर सकते हैं, गैलरी जो है इसकी बहरिया के लाज के मुताबिक बनी हुई है। हाउस अगर मैं आपको बताता चलूं तो ये सिंगल यूनिट है, डबल यूनिट हाउस नहीं है। सामने वॉल पे आप चेक कर सकते हैं बड़ा खूबसूरत काम किया हुआ है, वुड का और ग्रास लगी हुई है। और इस साइड पे भी आप गैलरी चेक कर सकते हैं, गैलरी बनी हुई है। और गैलरी की इसी की बैक साइड पे अगर हम जाते हैं तो एक सर्वेंट रूम भी आपको मिल जाता है। तो अभी हम आ जाते हैं इसके मेन डोर की तरफ, तो ये सामने इसका मेन डोर आ गया, आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत साथ प्लांटेशन की हुई है। ऊपर ये सीलिंग आप चेक कर सकते हैं, वुड और ग्लास का काम हुआ है। तो ये इसका मेन डोर आप चेक कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, डिज़ाइन भी बहुत प्यारा और वैसे भी सॉलिड है। सामने जो ही हम इंटर होते हैं बड़ी खूबसूरत आप एक फाउंटेन बनी हुई है और ये ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। साथ ही इसका पाउडर रूम, ये पाउडर रूम आप चेक कर सकते हैं, इसका ऊपर विंडो दी गई है। और ये स्टेयर्स के नीचे आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत यहाँ पे प्लांटेशन की गई है स्टेयर्स के नीचे। तो साथ ही ये हम आपको चलते हैं इसके ड्राइंग रूम, ये आप ड्राइंग रूम इसका देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत फानूस इंस्टॉल है। और ये विंडो आप चेक कर सकते हैं, बाहर का व्यू यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत विंडो यहाँ पे डबल विंडो दी गई है। और सामने ये एक डोर दिया गया है, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है, सीलिंग आप ऊपर चेक कर सकते हैं, वुड और ग्लास का काम हुआ है। वॉल पे पेंटिंग आप चेक कर सकते हैं, साथ ये विंडो आ गई और सामने ये आप वॉल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं फनूस के साथ जो ऊपर काम हुआ है, सीलिंग का डिज़ाइन थोड़ा चेंज है, साइडों पे चेंज है, ये साइडों पे आपको ये ग्लास और वुड का काम मिलता है और सेंटर में ये डिज़ाइन मिलता है सीलिंग का। तो ये आपको वॉल पे बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन वॉल पे भी आप चेक कर सकते हैं, वुड का काम हुआ है और साथ बीच में मतलब वो शनील टाइप कपड़ा लगा के बड़ी खूबसूरती यहाँ पर दी गई है। और साथ ये आप डोर इसके देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको 3 डोर 2-3 ये नज़र आ रहे हैं, तीनों डोर ग्लास और वुड का काम यहाँ पे हुआ है। तो ड्राइंग से हम निकलते हैं तो साथ ही आपको ये टीवी लॉन्ज आप इसका देख सकते हैं, सामने आपको फानूस बड़ा खूबसूरत फानूस एक विंडो और ये साथ ही ड्राइंग रूम के लिए डोर दिया गया है। ये इसकी मीडिया वॉल आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मीडिया वॉल बनी हुई है। ये ऊपर सीलिंग आप इसकी और सामने आपको फाउंटेन मिल जाती है, यहां पे बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। और जो ही हम सामने जाते हैं तो इसके ये एक बेडरूम और ये 2 बेडरूम 5 बेडरूम है और ऊपर 2 बेडरूम, 3 बेडरूम ऊपर 2 नीचे। तो इसके बेडरूम में हम इंटर होते हैं, ऊपर ये सीलिंग आप चेक कर सकते हैं, ग्लास और वुड का काम हुआ है, फैन चेक कर सकते हैं और ये वॉल पे खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है, शनील का कपड़ा लगा हुआ है और साथ वुड का काम हुआ है। और ये इसका डोर आप चेक कर सकते हैं और ये इसका मीडिया वॉल, मीडिया वॉल भी बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है।
और ये सामने आपको इसका वॉशरूम मिल जाता है। वॉल पे ये इस बेडरूम की आप पेंटिंग चेक कर सकते हैं और ये हम वॉशरूम में एंटर हुए हैं। वॉशरूम में आपको ये टब मिल जाता है, ऊपर विंडो और लाइट्स सीलिंग आप चेक कर सकते हो। इसका ये शावर एरिया इसका ये दिया गया है सेपरेट, ये आप इसका शावर एरिया चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कमोड दिया गया और ये वॉल पे आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह सीधा ग्लास और वुड लगा हुआ है बड़ा खूबसूरत। ये इसकी वेंटी चेक कर सकते हैं, डोर बहुत ही खूबसूरत, वेंटी के ऊपर ग्लास इंस्टॉल है। और यहाँ पे ये आप कबर्ड्स चेक कर सकते हैं, ये कबर्ड्स फुल हाइटेड कबर्ड्स दी गई हैं। तो यहाँ से हम निकलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। सेकंड बेडरूम ये इसका सेकंड बेडरूम आ गया, ये आप इसका सेकंड बेडरूम देख रहे हैं। अच्छा, सेकंड बेडरूम ये इसका मास्टर बेडरूम है। जो ही हम लॉबी से सामने आते हैं तो फर्स्ट जो बेडरूम है ये इसका मास्टर बेडरूम। ये विंडो दी गई है और ये आप चेक कर सकते हैं, वॉल पे काम किया हुआ है ग्लास और बड़ा खूबसूरत डिजाइन बना हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत सीलिंग के साथ आपको फैन मिल जाता है, डोर और इसकी ये मीडिया वॉल, मीडिया वॉल भी बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। डोर बड़े अच्छे बने हुए हैं। अगर ये पीछे आप देखते हैं तो यहां से विंडो से मैं आप दिखा रहा हूँ, काफी स्पेस है पीछे भी। यहां से ऊपर पीछे अगर जाते हैं तो लॉन्ड्री वगैरह होगी पीछे और सेवेंथ रूम की स्टेयर्स ऊपर जा रहे। तो यहाँ पे हम आगे इसके वॉशरूम में, ये टब आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत देखें फुल हाइटेड ग्लास लगा हुआ है खूबसूरत, मतलब जो ग्लास लगाया बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है। और ये इसका शावर एरिया आ गया सेपरेट और ये वेंटी आप इसकी चेक कर सकते हैं और दोनों साइड पे ये ग्लास दिए गए हैं। ऊपर सीलिंग आप देख सकते हैं और ये इसका कमोड आ गया, काफी स्पेस दी हुई है इसमें भी वॉशरूम में भी। यहां से हम बाहर निकलते हैं तो मैं आपको ये आप लॉबी का एरिया चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है। तो ये साथ ही इसका वॉशरूम आ गया, सॉरी ये इसका किचन आ गया, किचन आप चेक कर सकते हैं। ये किचन यहाँ पे बर्नर इंस्टॉल है, ये आप एक इसकी यहाँ पे फ्रिज भी दी गई है और एक केबिन आप इसकी चेक कर सकते हैं ऊपर और नीचे एक साथ ही। ये आपको फुल लाइटेड डेक और ये सामने आपको ओवन मिल जाते हैं, सिंक के ऊपर विंडो दी गई है और ऊपर केबिन चेक कर सकते हैं, नीचे वाली केबिन। यहां से ये आप चेक कर सकते हैं इसका बर्नर इंस्टॉल और ये साइड पे ग्लास का काम है जो आपको यहां से अगर मैं दिखा सकूं तो आप दे सकते हैं बाहर कह रही है यहां से। तो इसके साथ ये एक किचन सर्विस किचन भी दिया गया, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं यहां पे ये बर्नर भी इंस्टॉल है और ये एक सिंक दिया हुआ है ऊपर नीचे, आप केबिन चेक कर सकते हैं। और यहां पे एक इसकी ये विंडो दी गई है और यहां पे भी एक ये अलग इसका यहाँ पे केबिन बनी हुई है और यहाँ पे इसका डोर अलग दिया गया है। और यहां से हम बाहर निकलते हैं, चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवा देता हूँ अभी। तो यहां से हम ये स्टेयर्स आप चेक कर सकते हैं, स्टेयर्स साइड पे ये आपको जो नजर आ रहा है ये मेटल है और मेटल के साथ ये वुड का काम हुआ है। और अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं, स्टेयर्स आप चेक कर सकते हैं बड़ी खूबसूरत, और सामने इसका प्लांटेशन की हुई है और ये सेम इसी तरह ऊपर भी आपको मेटल के वॉल जो बनी हुई है। और ये वॉल पे आप चेक कर सकते हैं बड़ा खूबसूरत डिजाइन बना हुआ है, इसके हम सबसे पहले मैं चलता हूं आपको इसका फर्स्ट बेडरूम चेक करवा देता हूं। ये आप इसका बेडरूम चेक कर सकते हैं, हम बेडरूम में एंटर होते हैं, ये इसका बेडरूम है, बेडरूम के सामने ये वॉल चेक कर सकते हैं बड़ा खूबसूरत डिजाइन बना हुआ है, वॉल के साथ विंडो मिल जाती है
वॉल पे पेंटिंग और इसका वॉशरूम। ये सामने आपको इसकी मीडिया वॉल चेक कर सकते हैं, डोर और इसके वॉशरूम में एंटर होते हैं, इसका टॉप अप चेक कर सकते हैं, ऊपर विंडो दी गई है और ये ग्लास का इस्तेमाल किया गया सीलिंग में, और इसका शावर एरिया भी सेपरेट है। यहां पे ये कमोड आपको मिल जाता है, वेंटी ऊपर बड़ा खूबसूरत ग्लास, और यहां पे जो आपको ये टाइल नजर आ रही है बड़ी खूबसूरत डिजाइन मतलब स्टाइल में है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये कोई जो यहाँ पे ये साथ है आपको फुल लाइटेड कबर्ड्स मिल जाती हैं। ये इसका डोर आ गया और अभी हम इसके चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो ये इसका आ गया सेकंड बेडरूम और ये थर्ड। तो अभी आपको ये दिखा देते हैं, ये सामने आप देख सकते हैं विंडो आ गई, वॉल पे पेंटिंग हुई है और ये उसी तरह डिजाइन खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है, और सामने आपको ये डोर और मीडिया वॉल आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत मीडिया वॉल। और यहाँ पे सीलिंग में चेंज की गई है, ये सीलिंग जो है थोड़ा चेंज है यहाँ पे सीलिंग में, और ये सीलिंग यहाँ पे जो की गई है ये सीलिंग जो है ग्लास का इसमें इस्तेमाल किया गया। और अभी हम इसके वॉशरूम में इंटर होते हैं, तो वॉशरूम में हम इंटर होते हैं तो आपको सामने टब मिल जाता है, ऊपर विंडो मिल जाती है और इसमें थोड़ी चेंजिंग की गई है। ये आपको शावर एरिया इसका, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे शावर एरिया भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये कमोड आप चेक कर सकते हैं, साथ ही इसकी वेंटी और ऊपर खूबसूरत ग्लास, दो ग्लास इंस्टॉल है, और यहाँ पे आपको ये इसके कबर्ड्स मिल जाती हैं। तो अभी हम आ जाते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। ये सामने इसका लॉबी का एरिया आप चेक कर सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत, और ये इसका आ गया थर्ड बेडरूम। तो ये बेडरूम सामने जो ही इंटर होते हैं आपको नजर आता है इसके यहाँ पे सामने बेडरूम में मतलब खूबसूरत डिजाइन बना हुआ है जिसमें वुड और शनील का कपड़ा लगा हुआ है, और साथ ये पेंटिंग वॉल और ये विंडो आपको नजर आ जाती है, सामने मीडिया वॉल, ऊपर सीलिंग आप इसकी चेक कर सकते हैं, सीलिंग में थोड़ी चेंजिंग की गई है, डोर, और साथ ही इसका ये आ गया वॉशरूम। वॉशरूम आप चेक कर सकते हैं, इसका खूबसूरत शावर एरिया सबसे ज्यादा अगर इस वॉशरूम में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर टब ना होने की वजह से यहाँ पे शावर एरिया ज्यादा, स्पेस ज्यादा है। तो ये साथ आपको कमोड मिल जाता है, ऊपर विंडो मिल जाती है, वेंटी, बहुत ही खूबसूरत ग्लास, और ग्लास में आपको बताता जाऊं ये इलेक्ट्रिक है, और यहाँ पे कुछ वॉशरूम में यहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल था, यहाँ पे अभी टाइल का इस्तेमाल किया गया है। तो साथ ही आपको ये आप देख सकते हैं मतलब इसका जो है ग्लास बहुत ही खूबसूरत ग्लास है, और ये फुल हाइटेड कबर्ड्स आपको मिल जाती हैं, ऊपर सीलिंग चेक कर सकते हैं। यहां से हम बाहर निकलते हैं इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो ये इसका एरिया आ गया टीवी लाउंज का, जो पहले मैं आपको थोड़ा भी ये आप चेक कर सकते हैं, सामने विंडो आ गई, ये मीडिया वॉल आ गई और ये फनूस इंस्टॉल है, और यहां से हम बाहर निकलते हैं, ये सामने आपको मिल जाता है इसका किचन फर्स्ट फ्लोर पे, बहुत ही खूबसूरत किचन बना हुआ है, ऊपर और नीचे केबिन आप देख सकते हैं, बर्नर स्टाल है, यहाँ पे एक विंडो दी गई है, ऊपर सीलिंग आप चेक कर सकते हैं, और नीचे वाली केबिन सिंक ऊपर और ऊपर वाली केबिन। तो इसके साथ अगर हम देखते हैं तो आप दोस्तों को ये यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए खूबसूरत स्पेस छोड़ी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत हाउस बना हुआ है। इसके साथ ही ये इसका एक आप चेक कर सकते हैं मतलब ये भी एक बेडरूम आप इसे कह सकते हैं, मतलब ये साथ इसके विंडो दी गई है दो साइड पे, ये दो साइड पे बाहर का व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये केबिन बनी हुई हैं,
इसके साथ यहाँ पे अटैच वॉशरूम नहीं है यहाँ पे। ये इसका आप डोर देख सकते हैं, खूबसूरत घर बना हुआ है। जो दोस्त इस घर का विजिट करना चाहेंगे वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।